हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। मैं इस समय हूँ खानविल में। इस समय मैं रुका हुआ हूँ ग्रीन वैली रिसोर्ट खानविल। अभी हम यहाँ से एक डैम पे जा रहे हैं, वहाँ पे बोटिंग है, वहाँ पे फिशिंग है और भी बहुत सारे अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ है। बट मैं अभी यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ वहाँ जाने के लिए। हम वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। भाई मुझे पानी से तो बहुत डर लगता है, मैं पानी में जाने वाला नहीं हूँ। आप लोग ये जान के रखिए, पानी में मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पानी में बहुत डर लगता है गाइस। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद मेरा लंच वगैरह सब फिनिश हो गया। अब हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं मधुबन डैम जाने के लिए। मधुबन डैम जाते हैं, मधुबन डैम जा करके वहाँ मधुबन डैम को हम एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे उसके बारे में कि मधुबन डैम है क्या, यहाँ से इसको किस किस शहर को, किस किस राज्य को फ़ायदा पहुँचता है पानी का। तो मिलते हैं बाइक के ऊपर एंड मधुबन डैम पे। जो वासुना लायन सफारी के नाम से निकल जाता है, यही रास्ता लायन सफारी का रुक जाता है। आप लोग कहिए देखिए, इस समय ये हम पहुंच गए हैं लायन सफारी। ये लायन सफारी है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, बस ले सकते हैं और यहीं से बस में बैठ के आप अंदर जा सकते हैं लायन को, शेर को देखने के लिए। ये गाइस, ये देखिए हमारे सामने ये मधुबन डैम दिखाई दे रहा है जहाँ हम जाने वाले हैं। ऐसे ही रूट आगे जाएगा, आगे वो मधुबन डैम की दीवारें दिख रही हैं हमको, आप देख सकते हैं। देखिए इस समय हम एकदम डैम के सामने हैं। इस डैम की ऊंची ऊंची दीवारें आपको दिख रही हैं हमारे सामने एकदम। गाइस गाइस देखो, ये सामने डैम का पानी ही पानी है। देखो देखो भाई, पानी पानी कितना बढ़िया नज़ारा है। देखिए चारों तरफ पहाड़, बीच में पानी, वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत जगह है।
हे गाइस, इस समय हम खड़े हैं मधुबन डैम के अंदर बीच में। ये हमारे पीछे देखिए पूरा पानी दिखाई दे रहा है, इसके पीछे ये पहाड़ हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, बीच में पानी है। अभी तो पानी कम है, बारिश के टाइम पे बहुत पानी होता है। एक्चुअली ये पानी को बैंक करके हमें सिंचाई के काम में और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूजेस में लिया जाता है ये पानी को। ये पानी पूरे साल हमारे काम में आता है, हम पूरे बारिश में इसको बैंक करते हैं, जमा करते हैं। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है इस मधुबन डैम का, यहीं से दमन सिलवासा के डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी की सप्लाई की जाती है। काफ़ी बड़ा ये डैम है मैं आपको बता दूँ, और फिशिंग भी यहाँ पर होता है। बहुत सारे ऐसे फिश हैं जो यहाँ से निकाले जाते हैं और सेल किए जाते हैं, और पिकनिक स्पॉट भी है, काफ़ी दूर दूर से लोग इस डैम को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पे एक दुधनी लेक है, जो दुधनी लेक इसके साथ जॉइंट है, उसका पानी और ये पानी दोनों जॉइंट है, तो दुधनी लेक जाने के लिए रास्ता दूसरा है। और ये डैम का पानी है जो यहाँ से सप्लाई किया जाता है, और 2 मेगावाट बिजली भी बनाई जाती है यहाँ से, तो इसके लिए काम में लाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप कभी भी दादरा नगर हवेली सिलवासा आते हैं तो मधुबन डैम एक बार घूमने ज़रूर आइए। डैम का अपना ही एक नज़ारा होता है, डैम का अपना ही एक टूरिज़्म पॉइंट है। चारों तरफ देखिए पहाड़ है, बीच में पानी है, इतना खूबसूरत लगता है कि मैं ये बता नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी जिस समय यहाँ पे होगा उसका आनंद का अनुभव वही कर सकता है। तो ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, तो प्लीज़ आप लोग जब भी आइए दादरा नगर हवेली तो मधुबन डैम घूमने ज़रूर आइए। जैसा कि रास्ते में हमने बताया था कि लायन सफारी भी है, लायन सफारी पॉइंट भी अभी बंद है कोविड की वजह से, क्योंकि अभी इस समय कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। बीच में जब भी लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो खोल दिया गया था, जितने भी पार्क थे जितने भी टूरिस्ट पॉइंट थे सारे खोल दिए गए थे, लेकिन अभी फिर से कोविड सेकेंड फेज़ में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है हमारे देश में, इसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया है। डियर पार्क, लायन सफारी, जितने भी पार्क और गार्डन पॉइंट्स थे ये सब बंद कर दिए गए हैं। तो जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होता है तो फिर आप घूमने के लिए आइए दमन एवं दादरा नगर हवेली। टूरिज़्म आपका बहुत बहुत स्वागत करता है।